हेलो दोस्तों, की हाल। तो फाइनली जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई और कैरेबियन प्रीमियर लीग शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, पहला मैच खेला जाना है एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स और सेंट किट्स और नेविस पेट्रियट्स के बीच। तो बात यह है दोस्तों कि बड़े बड़े नाम है दोनों टीमों के, तो इन दोनों टीम्स को हम एंटीगुआ और सेंट किट्स बोलकर बुलाने वाले हैं, क्योंकि बार बार इतना बड़ा नाम लेने से आप भी थकोगे, मैं भी थकूंगा। तो फाइनली 30 अगस्त से शुरू हो रही है ये लीग। पहला मैच इन दोनों टीमों के बीच सुबह के 4:30 बजे का टाइम रहेगा, यानी कि ये पढ़ के आपको थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा सुनकर, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत जल्दी जागने की आदत डालनी पड़ेगी भाई, या तो फिर आपको रात को सोना ही नहीं है। तो ये बस एक छोटा सा चैलेंज है, बाकी ये लीग धांसू होने वाली है, मजा आने वाला है, भरपूर प्रॉफिट निकालने वाले हैं आप और हम। तो वेन्यू जहां पर ये मैच खेला जाएगा, सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, जो कि एंटीगुआ का होम ग्राउंड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वेन्यू की रिपोर्ट क्या कहती है। तो यहां कुल मिलाकर मैच खेले गए हैं 14 और पहले बैटिंग वाली टीम जीती है 7 मैच और चेस करने वाली टीम भी जीती है 7 मैच, यानी कि यहाँ पर टॉस का कंट्रीब्यूशन दोनों साइड 50-50 रहा है। इसके अलावा आखिरी 3 मैचों पर हम नजर डालेंगे और ये तीनों के तीनों मैच इसी साल के T20 वर्ल्ड कप के मैच हैं, जहाँ पर 19 जून को भिड़ंत हुई थी साउथ अफ्रीका और यूएसए की। साउथ अफ्रीका ने 195 का बड़ा सा टारगेट दिया था और यूएसए ने भी उसको बखूबी पूरी कोशिश की थी चेस करने की, लेकिन हार गई थी। इसके बाद अगला मैच 22 जून को यहां पर हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जहां पर इंडिया ने भी सेम लगभग 197 का टारगेट दिया था और ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 146 रन बना पाई थी और बड़े अंतर से हार गई थी। इसके बाद 24 जून को होने वाले मैच में वेस्ट इंडीज ने 135 बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ऐसे भी चेज नहीं कर पाई थी। यानी कि तीनों मैच में एक कॉमन चीज आपको दिखाई देगी कि पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं। इसके अलावा अगर हम स्पिनर्स और पेसर्स के विकेट्स की यहां बात करें, तो स्पिनर्स को कुल मिलाकर यहां 37 विकेट अब तक मिले हैं और 66 विकेट पेसर्स को मिले हैं, यानी कि पेसर्स के लिए ये वाली पिच थोड़ी सी ज्यादा फायदेमंद है। चलिए आगे चलते हैं, स्कोरिंग पैटर्न देखेंगे इस ग्राउंड का। 150 से नीचे 9 बार स्कोर बना है, 150 से 169 दो बार, 170 से 189 सिर्फ एक बार और 190 के ऊपर का स्कोर यहां दो बार देखने को मिला है। इसके अलावा इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर है 133 रन, हाईएस्ट 196 रन और लोएस्ट सिर्फ 47 रन का आंकड़ा है। अब हम बात करेंगे दोनों ही टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो जी आपको बताना चाहूंगा कि एंटीगुआ की टीम चूंकि एक नई टीम है, जस्ट अभी इस लीग में इनकी एंट्री हुई है इसी साल, जिस वजह से अभी तक इस टीम ने एक भी मैच नहीं खेला है, तो यहां पर आपको 0-0 दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों टीम्स के बीच अभी तक कोई मैच नहीं हुआ। तो हम देख लेते हैं कि सेंट किट्स की टीम ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में, ऑब्वियसली पिछले सीजन के ये मुकाबले होंगे, तो अपने पिछले 5 मुकाबलों में से इनको बस एक जीत नसीब हुई थी, बाकी के 4 मैचों में ये हार कर आए हैं। तो देखना होगा कि इस सीजन की शुरुआत सेंट किट्स की टीम कैसे करती है, क्योंकि पिछले साल जो लीग हुई थी उसमें टेबल के बॉटम पर ये टीम आई थी, यानी कि सबसे नीचे रही थी ये टीम। वी होप नई शुरुआत है, कुछ अच्छा करें तो भाई आपके लिए भी बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक बार देख लेते हैं टीम, एंटीगुआ की टीम। ये देखिए 11 खिलाड़ी रहे आपके सामने, ये पॉसिबल 11 है, यानी कि इसमें एक दो खिलाड़ियों का कोई हेर फेर या फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है। होपफुली ये सब खिलाड़ी आपको ग्राउंड पर दिखाई देंगे, जिनमें से अगर हम बात करें फखर जमान, ब्रैंडन किंग जो कि टीम के कप्तान है, इसके बाद है जामर हैमिल्टन, टेडी बिशप, जस्टिन ग्रीव्स, अजमतुल्ला ओमरजाई, इमाद वसीम, रोशन प्राइमर्स, फेबियन एलन, हेडन वॉल्श एंड मोहम्मद आमिर। तो कुछ खिलाड़ी यहाँ पर बड़े धांसू दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके नाम शायद आपने कम सुने हो, क्योंकि वो या तो ये वेस्ट इंडीज के डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं या फिर अभी तक इंटरनेशनल में बहुत ज्यादा अपीयर नहीं हुए हैं। तो ओवरऑल हम पूरी टीम की बात ना करके कुछ गिने चुने खिलाड़ियों की बात करेंगे जो इस मैच में की प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं फखर जमान। अब आप अगर सोचें कि इतने कम फिगर्स होने के बावजूद भी इनको हमने की प्लेयर क्यों कहा है, तो असल में बात यह है दोस्तों कि 11 में से हमने 8 खिलाड़ी चुने हैं और वैसे भी लीग की शुरुआत होना है, तो शुरुआती मैच में किसी भी खिलाड़ी को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अ रनिंग प्लेयर। तो उन सब चीजों के मद्देनजर आप इस वीडियो को देखिएगा और कई चीजों को ऑब्जर्व कीजिएगा। तो फखर जमान भले ही पिछले काफी लंबे टाइम से फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि सीरीज की शुरुआत ही अच्छी करें, क्योंकि काबिल बल्लेबाज हैं, कई बार पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पारियां, अच्छी पारियां खेली, तो उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद आते हैं ब्रैंडन किंग। तो ये खिलाड़ी तो असाधारण है, भले ही यहाँ पर फिगर्स बड़े साधारण है, लेकिन टीम के कप्तान है और वेस्ट इंडीज के प्लेयर, तो ये खिलाड़ी तो सब ऐसे ही होते हैं भाई, अचानक से किसी मैच में पूरा का पूरा पासा पलट दें, उन्हीं में से एक ब्रैंडन किंग। तो इनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस मैच में ये बैटिंग में कुछ
कारनामा कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अजमतुल्लाह उमरजई, अफगानिस्तान का स्टार क्रिकेटर, बेहतरीन ऑलराउंडर। हालांकि बॉलिंग में काफी टाइम से इनको बड़ी मदद नहीं मिल पाई है, लेकिन बैटिंग में अगर आप देखें तो कुछ छोटी छोटी इंपैक्टफुल दो पारियां पिछली दिखाई देती हैं आपको। बीते कुछ वक्त से अफगानिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में ये बिजी थे, अब यहां पर इस सीरीज में देखना होगा कैसे अपनी शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट है रोशन प्राइमस। तो इनके इंटरनेशनल फिगर्स यहां पर काफी लो आपको दिखाई देंगे, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट की जब बात आती है तो ये खतरनाक खिलाड़ी बन जाते हैं, तो वहां पर इनके आंकड़े ज्यादा बेटर हैं एज कम्पेयर टू दीज स्टेट्स। इस लीग में ये अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखना होगा पहले मैच में। फिलहाल मैं अगर कहूं तो इनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये अच्छे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, या तो चलेंगे या फिर फ्लॉप हो जाएंगे। चलिए अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, इमाद वसीम। तो इनकी तारीफ एक चीज में तो करना चाहूंगा कि भाई क्रिकेट बहुत खेलता है यार, हर लीग में इनको दिखाई देना है, चाहे आप 100 मेंस लीग की बात करो, चाहे आप लंका प्रीमियर लीग की बात करो। आईपीएल में तो हमारी तरफ से झंडा नहीं मिल पाता है, लेकिन इसके अलावा बची कुची दुनिया की जितनी लीग्स हैं सब में भाई खेलता है, बढ़िया बॉलिंग करते हैं, इकोनॉमिकल अच्छे गेंदबाज है ये, काफी 5 या 6 के एवरेज से ये रन दिया करते हैं, विकेट्स तो इनको कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं मिल पाते, तो ठीक ठाक है, इसको आप टीम में बिल्कुल रख लीजिए। अभी अगले हैं फैबियन एलन। तो ये टीम के बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, यहाँ पर इनके बैटिंग के फिगर्स आपको हमने नहीं दिखाए हैं क्योंकि कुछ खास नहीं किया है काफी टाइम से। बॉलिंग में अगर आप देखें तो लास्ट मैच में 4 ओवर में 10 रन देकर एक भी विकेट नहीं मिला, लेकिन देखिए आप 10 रन दिए, इसके पहले भी 4 में 24 देकर 4, बढ़िया खिलाड़ी है। लंका प्रीमियर लीग के बाद अब ये खेलने वाले हैं अपने डोमेस्टिक क्रिकेट, हालांकि द 100 मेंस लीग में भी ये थे लेकिन इनको वहां पर खेलने का चांस नहीं मिल पाया। अगले हैं हेडन वॉल्श। तो बेहतरीन गेंदबाज हैं, काफी अंडररेटेड हैं, हालांकि पिछले 3 मैचों में अगर आप देखें तो इनको विकेट तो नहीं मिल पाया, यानी कि इनका बुरा दौर अभी चल रहा है आप ऐसा कह सकते हैं, बट नई लीग है तो हो सकता है एक नई शुरुआत देखने को मिल जाए, तो उम्मीद आप कर सकते हैं क्योंकि बॉलर बढ़िया है। इसके बाद आते हैं मोहम्मद आमिर। तो इनके भी रिसेंट फिगर्स अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 मैचों में ही भाई ने 6 विकेट ले लिए हैं और लगभग 5, 4 या 6 की इकोनॉमी से ये रन्स दिया करते हैं। तगड़े खिलाड़ी हैं, अच्छे बॉलर के तौर पर आप इनको टीम में बिल्कुल रखिए। तो दोस्तों ये थे कुछ की प्लेयर्स एंटीगुआ की टीम के। अब हम नजर डालते हैं टीम सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स। तो यहां पर कप्तान है एविन लुइस, इसके अलावा आंद्रे फ्लेचर, राइली रूसो, काइल मेयर्स, ट्रिस्टन स्टब्स, सिकंदर रजा, शर्फिन रदरफोर्ड, ओडिन स्मिथ, डोमिनिक ड्रेक्स, आंड्रिक नोकिया और अश्मिड नेग, इन सब खिलाड़ियों से सजी हुई ये टीम है। तो भले ही पिछले बार ये टीम काफी कमजोर दिखाई दी थी, लेकिन इस बार उम्मीदें नजर आ रही हैं क्योंकि टीम थोड़ी सी तगड़ी दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो अब अगर हम एक एक खिलाड़ी पर पर्सनली बात करें तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एविन लुइस को। तो इनके बारे में भी यही है कि काफी अंडररेटेड खिलाड़ी हैं ये, जनरली बहुत अच्छा खेला करते हैं, उतना नाम ये कमा नहीं पाए फिलहाल, लेकिन अच्छे फॉर्म में नहीं है, जूझ रहे हैं, तो कमबैक तो करना पड़ेगा भाई, टीम के कप्तान हैं, तो एज अ कैप्टन या एज अ बैट्समैन आपको परफॉर्म करना है, ऐसी आप इनसे उम्मीद भी कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे आंद्रे फ्लेचर। तो इनके ये जो 3 बड़े बड़े आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये है लंका प्रीमियर लीग के, और बाकी ये 2 एक-एक रन वाली पारियां इन्होंने खेली थी द 100 मेंस लीग में, तो इन 2 पारियों से हम इनको इतना जज नहीं कर सकते क्योंकि बढ़िया खिलाड़ी है, स्ट्राइक रेट भी खतरनाक है, तो इनसे आप उम्मीद कर सकते हैं इस मैच में ये भी कुछ बड़ा कारनामा कर जाए। इसके बाद आते हैं राइली रूसो। तो ये जो आंकड़े आपको इनके दिखाई देंगे, लंका प्रीमियर लीग में गजब की आग लगाई थी इन्होंने भाई, पिछली 6 पारियों में आप नजर डालें तो 2 तो आपको सेंचुरीज दिखाई देती है और स्ट्राइक रेट भी आपको 200 से ऊपर का ही दिख रहा है, तो ये खिलाड़ी बिल्कुल असाधारण है, इसको आप अपनी लिस्ट में हमेशा रखिए, इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बाद आते हैं काइल मेयर्स। बैटिंग में तो कुछ खास बड़ा कारनामा नहीं कर पाए हैं काफी लंबे टाइम से, तो ये वही खिलाड़ी हैं जिनको T20 वर्ल्ड कप की टीम में वेस्ट इंडीज में ना लिए जाने पर कई सवाल उठे थे, सीनियर क्रिकेटर्स ने भी कहा था कि ऐसा खिलाड़ी आपने बाहर बिठा रखा है। हालांकि अगर आप इनके रिसेंट फिगर्स देखेंगे तो कुछ खास नहीं दिखते, लेकिन बॉलिंग अगर आप फिलहाल इनकी देखें तो काफी इकोनॉमिकली ये बॉलिंग करते हैं, बैटिंग में भी ये ओपनिंग बैट्समैन है और बॉलिंग में भी ये ओपनिंग बॉलर है, यानी कि पहला ओवर यही करते हैं अक्सर पारी का, तो मेरी नजर में तो ये खिलाड़ी बहुत स्पेशल है, इसको आप बिल्कुल भरोसा करके रखिए। अगले हैं ट्रिस्टन स्टब्स। तो जस्ट अभी 2-3 दिन पहले जो साउथ अफ्रीका से सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज की, उसमें इन्होंने ये काफी अच्छा परफॉर्म किया है, 42 बॉल में 76 की पारी खेली, 24 में 28 की पारी खेली, मतलब उस मैच में तो ये इकलौता खिलाड़ी था जिसकी तरफ से साउथ अफ्रीका ने स्कोर बनाया था, ये खिलाड़ी बड़ा है, इस पर आप नजर रखें और भरोसा रखें। अगले आते हैं शर्फिन रदरफोर्ड। तो बेहतरीन ऑलराउंडर है ये टीम के, कई बार नीचे बैटिंग करने आते हैं क्योंकि ऑर्डर इनका नीचे है, इसके बावजूद ये अच्छी पारियां खेल जाते हैं, 18 बॉल में 29, 18 में 22, दोनों जगह हाथ पांव बढ़िया चला लेते हैं, एज एन ऑलराउंडर आप इनको बिल्कुल टीम में रख के चलिए, इंपॉर्टेंट है ये।
इसके बाद आते हैं ओडियन स्मिथ। तो इनका नाम भाई मैंने बहुत सुना है काफी टाइम के पहले। एक चमकता हुआ क्रिकेट का सितारा आया था ओडियन स्मिथ, लेकिन फिलहाल काफी वक्त से ये नाम गुम हो रहा है। रीजन काफी सारे रहे हैं इस बीच। फिलहाल की अगर आप बात करें तो अभी ये कुछ अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन इनकी शायद बॉलिंग को देखा जाए अगर तो बैटिंग से तो कुछ अच्छा दिखाई देता है आपको। तो एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम में आप इनको ले सकते हैं। आखिरी खिलाड़ी है एनरिक नॉर्किया। तो ये बॉलर भी बहुत खास है, कई बार खतरनाक परफॉर्मेंसेस दिए हैं, रिकॉर्ड्स भी इन्होंने बनाए हैं, और रिसेंट आंकड़े जो कहते हैं कि विकेट्स तो कुछ खास ज्यादा नहीं मिल पाए हैं, लेकिन इकोनॉमिकली ये बढ़िया गेंदबाज हैं, विकेट्स भी ले सकते हैं, काफी एबिलिटी है इनमें। तो टीम की बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए तो फिलहाल ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वेस्ट इंडीज की पिच इनको काफी सूट किया करती है, यहाँ की कंडीशंस पर इनकी बात ही अलग हो जाती है। तो भाइयों ये थी टीम सेंट किट्स। अब दोनों टीम्स को हमने देख लिया है अच्छी तरीके से, सारे आंकड़े हमने देख लिए हैं, तो अब चलते हैं हम इस मैच के प्रेडिक्शन यानी कि वर्डिक्ट की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू अभिमन्यु सर एंड हिज वर्क, इस मैच में हमारा सपोर्ट रहने वाला है सेंट किट्स की टीम के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस मैच को सेंट किट्स की टीम जीत सकती है। रीजन, टीम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, कई सारे प्लेयर्स अभी फॉर्म में बरकरार हैं, इस वजह से टीम अच्छा परफॉर्म करने वाली है। और अगर इस प्रेडिक्शन में कोई भी फेरबदल, कोई भी चेंज होता है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा, और मैच के दौरान आपको ग्रुप पर एक्टिव भी बने रहना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप हमारा ग्रुप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले मैच के प्रेडिक्शन के वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।